राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट। किसान भाइयों, आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन जो हार्वेस्टिंग का काम है वो पूरी तरह से हो चुका है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन की जो कंद है उसका वजन, चमक और बरकरार रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, काफ़ी मैं ऐसे जुगाड़ आपको बताऊंगा जो आप घर पे भी कर सकते हैं और आपके लहसुन की क्वालिटी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए हो पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर देना। किसान भाइयों, मेरे सामने आप देखेंगे कि लहसुन का जो कटिंग का काम फिलहाल चल रहा है और हार्वेस्टिंग का काम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और हमने काफ़ी लहसुन तो किसान भाइयों बेच भी दी है। उसका आपको पता ही है कि इस बार लहसुन का जो उत्पादन है वह भी अच्छा ही हुआ है और जो कंद की भाव है किसान भाई वह भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो किसान भाई, इसी के मद्देनज़र रहते हुए अब जो हमारा दूसरा पड़ाव है वह है कि लहसुन का जो क्वालिटी है, उसकी जो चमक है, उसके बनाए रखने के लिए हमें काफ़ी मतलब मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन किसान भाई, आप मेरी इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से आप बिना किसी खर्चे के आप लहसुन का क्वालिटी को जैसा के जैसा रख सकते हैं, मतलब वजन भी नहीं सूखे और लहसुन में जो है वो आपकी फिनिशिंग भी बरकरार रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लहसुन है आपको अगर आपने खेत से निकाल लिए तो आप इस तरह पेड़ पे, मतलब किसी पेड़ के नीचे रख जाके बोरिया खड़ी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो लहसुन का जो कंद है उसका वजन जो सूखने की समस्या वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी और छाँव में लहसुन सूखेगी तो उसका फिनिशिंग ख़त्म नहीं होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो लहसुन डालने के बाद आप काट के पेड़ के छाँव में ही किसान भाई सुखाने की कोशिश करें, चाहे आप 2-3 दिन पड़ी रहे, आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उसकी जो नमी है किसान भाई वो पूरी तरह से निकल जाएगी। अगर आप लहसुन की कटिया पैक करते हैं किसान भाइयों, आप कोशिश करें कि हो सके तो जूट की कट्टे भी ला सकते हैं और कुछ जो मच्छरदानी जैसे कट्टे होते हैं ये भी आप ले सकते हैं, इसमें भी आपको कम शिकायत देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाई, लहसुन का जो कड़कपन अगर आपको रखना है तो उसके लिए आप जो जूट की बोरियां हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपकी लहसुन पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो कट्टियाँ हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस साल लहसुन का जो देखने में आ रहा है कि जो क्वालिटियाँ किसान भाइयों ने बनाई उसका भाव आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो और इस साल भी आप अच्छा भाव ले सकते हैं। कोशिश तो इसी साल में हमें करनी है क्योंकि आगे तो समय का पता नहीं कैसे क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल आप ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम आईडी अशोक साहू 215, उसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, आपके कमेंट आपके रिप्लाई तुरंत मिलेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए।